हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सबों का माइनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बोरिंग एंड ड्रिलिंग पे है, पार्ट टू। वैसे तो बोरिंग चैप्टर जो है वो सच में ही बोरिंग लगता है, लेकिन माइनिंग इंजीनियर लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी हर फील्ड में होनी चाहिए, इसीलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, और कुछ बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं जल्दी में। व्हाट इज रोटेटरी ड्रिलिंग? रोटेटरी ड्रिलिंग है क्या? फॉर रोटेटरी ड्रिलिंग, होलो ड्रिल रॉड ऑफ अ स्टील और अल्मोनियम आर यूज्ड। देयर आर थ्रेड कनेक्टेड एंड ट्रांसमिट टॉर्क एंड फीड प्रेशर टू ड्रिलिंग बिट और ड्रिलिंग टूल्स विच इज अटैच एट एंड ऑफ कॉलम ऑफ द ड्रिल रॉड। एज द रॉड रोटेट द ड्रिलिंग टूल सेपरेट द रॉक एंड द कटिंग्स आर क्लियर बाय पंपिंग वाटर अंडर प्रेशर और कंप्रेस्ड एयर डाउन द होल थ्रू द होलो ड्रिल रॉड। इसमें क्या होता है, इसमें एक होलो ड्रिल रॉड होता है। होलो का मतलब है कि इसमें बीच में खाली जगह होता है, इसमें खाली होता है, ठीक है। इस खाली जगह क्यों रखा जाता है? ताकि इसमें हम पानी का सप्लाई कर सके और एयर या तो फिर कंप्रेस्ड एयर का सप्लाई कर सके। इसके नीचे में क्या होता है, इस होलो ड्रिल के नीचे में मतलब इंड में थ्रेडेड होते हैं, जहाँ पे ड्रिल बीट यहाँ पे जुड़े होते हैं। जितना डाया का हमको होल करना है उतने ही ड्रिल बीट का डाया हम लोग इस्तेमाल करके ड्रिल करते हैं। हमेशा याद रखेंगे, ड्रिल बिट जो जिस जितना डाया होता है, इस रिजिड मतलब हॉलो ड्रिल रॉड है ये, इस हॉलो ड्रिल रॉड से थोड़ा सा अधिक होता है। यही जितना डाया का हमको होल करना है उतनी डाया का ड्रिल बिट का जरूरत पड़ता है। अब जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे ड्रिल करेगा, और ड्रिल करने के बाद क्या है, मान लीजिए ये ड्रिल किया हुआ है, यहाँ तक के ड्रिल हो गया। अब जो कटिंग निकलेगा वो कटिंग किस तरह से सफाई होगा? जो पानी हम यहाँ से भेज रहे हैं वाटर प्रेशर, इस प्रेशर के थ्रू से इस होल के किनारे से और इस रॉड के किनारे से, इसके जो बीच में जगह है वहाँ से कटिंग बाहर को निकल जाती है। बाहर निकालने के लिए, इस कटिंग को निकालने के लिए या तो वाटर प्रेशर का जरूरत पड़ता है या कंप्रेस्ड एयर की जरूरत पड़ती है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि स्लजर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो पुराना हो गया। अब जो नया मॉडल आ रहा है इसमें कंप्रेस्ड एयर या तो फिर वाटर सप्लाई के थ्रू से इस कटिंग को बाहर निकाला जाता है। जैसे जैसे ये रॉड रोटेट करेगा वैसे वैसे इसमें टॉर्क लगेगा और घूमता जाएगा और घूमते हुए ये ड्रिल बिट होल करता जाएगा, और यहाँ कटिंग जो है, यहाँ कटिंग इसके थ्रू से बाहर निकल जाएगा। पानी इधर से घुसेगा और पानी इधर से निकलेगा, पानी घुसेगा और इधर से निकलेगा। इसी तरह से रोटेटरी ड्रिलिंग काम करता है। और ये भी याद रखेंगे, जो हॉलो ड्रिल रोड होता है वो स्टील या अल्मोनियम का हो सकता है, ज़्यादातर अल्मोनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following drill bit are common to use in rotary drilling? First, saw tooth cutter. Second, tricone drill bit. Third, diamond drill bit. Fourth, chill shot. इसका correct answer है third option, that is diamond drill bit. Diamond drill bit का ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ही hard होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोस स्केल में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है वो डायमंड होता है। इसी कारण डायमंड हर हार्ड रॉक में, चाहे कितने भी हार्ड हो, वेरी हार्ड रॉक हो या हार्ड हो, कोई भी रॉक हो, वो उसमें ड्रिल करते हुए होल करता है। किसी भी रॉक में डायमंड ड्रिल बिट जो है ड्रिल कर सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है कोर सैंपल लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए होल एंड ड्रिल रॉड इन डायमंड ड्रिलिंग? ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें फोर स्टैंडर्ड साइज होते हैं,
ज़्यादातर नॉर्मल देखा जाए तो चार तरह के स्टैंडर्ड साइज हैं और इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक्स सीरीज एंड डब्ल्यू सीरीज। देख सकते हैं आप लोग, ये जो स्टैंडर्ड साइज है एन एक्स, एन एक्स, बी एक्स एंड ए एक्स एंड ई एक्स, ये जो साइज है सबसे बड़ा साइज क्या होता है एन एक्स, फिर सबसे छोटा ई एक्स होता है। मतलब डायमीटर सबसे ज़्यादा एन एक्स का होता है, फिर बी एक्स का होता है, फिर ए एक्स का होता है। इस स्टैंडर्ड साइज को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक्स सीरीज में और एक डब्ल्यू सीरीज में, एक डब्ल्यू सीरीज में, एक एक्स सीरीज में, जो इंचेज में एक्स 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 सीरीज जो है इंचेज में दिया है, डब्ल्यू सीरीज जो है ये आपका एन डब्ल्यू बी डब्ल्यू करके दिया हुआ है। ये सारे क्या है, रॉड के साइज है, रॉड के डायमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फीड मैकेनिज्म, फीड मैकेनिज्म है क्या, इसका इसे मतलब है कि जिस अरेंजमेंट से प्रेशर और रेट ऑफ ड्रिलिंग को कंट्रोल किया जाता है उस अरेंजमेंट को हम लोग फीड मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब प्रेशर और रेट ऑफ एडवांस, मतलब जिस रेट से ड्रिलिंग करी जाती है और जिससे प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है उस अरेंजमेंट को हम लोग फीड मैकेनिज्म कहते हैं। फीड मैकेनिज्म जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के कौन से हो सकते हैं, एक हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म, एक स्क्रू फीड मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म जो होती है इसकी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरह से होती है फीड मैकेनिज्म, ये सरफेस में होती है, ऐसा नहीं है कि अंडर में होती है, ये सरफेस में फीड मैकेनिज्म अरेंज किया जाता है। ठीक है, ताकि हम उसे प्रेशर और रेट ऑफ ड्रिलिंग को कंट्रोल कर सकें, ये स्क्रू फीड मैकेनिज्म है, ये स्क्रू फीड मैकेनिज्म है। चलिए नेक्स्ट, विच फीड मैकेनिज्म इज फॉर डीप होल, ऑप्शन के ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म, सेकेंड स्क्रू फीड मैकेनिज्म, थर्ड बोथ वन एंड टू, फोर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोलिक, ओहो हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म। मतलब डीप होल के लिए हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीड मैकेनिज्म इज फॉर शैलो होल, सेम ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड स्क्रू फीड मैकेनिज्म। शैलो होल के लिए जो जिसमें कम लेंथ के होल होते हैं उसमें स्क्रू फीड मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, उसके तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कोर बैरल, कोर बैरल क्या है, कोर बैरल, कोर बैरल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कलेक्ट द कोर ऑफ रॉक ड्रिल। मतलब कोर बैरल क्या है, जब भी हम ड्रिल, जब भी माइंस के बारे हम लोग विचार करते हैं कि माइंस खोलना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कोर का सैंपल निकालते हैं, उस कोर सैंपल को ड्रिलिंग, जिसमें कोर सैंपल का कलेक्ट करके ऊपर लाया जाता है उसे हम लोग कोर बैरल के नाम से जाने जाते हैं। ये कोर बैरल है, मतलब ड्रिलिंग रॉड के अंदर में ही ये लगाया हुआ रहता है और इसी में कोर जो है इसी में घुस जाता है और ये बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, कलेक्ट करने के लिए होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ कोर बैरल, कोर बैरल कितने तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ कोर बैरल, सिंगल ट्यूब कोर बैरल एंड डबल ट्यूब कोर बैरल। ये फिगर जो है ये सिंगल ट्यूब कोर बैरल है और ये डबल ट्यूब कोर बैरल है। आप समझ गए, इतनी ही जानकारी अभी फिलहाल के लिए, इतनी ही जानकारी की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा डीपली में पढ़ने की इसे ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही। इसके बाद नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन है होल डेविएशन से रिलेटेड है, उसमें दो तीन मिनट के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी बात बोरिंग और ड्रिलिंग के लिए एक चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो
तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए। चलिए, थैंक यू।